मालवा पर गिरने वाला है अब तीसरा पहाड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालवा के सितारे थोड़े गर्दिश में लग रहे हैं दोस्तों। देवी अहिल्या संभालेगी, जरूर संभालेगी, क्योंकि आगे का सफर देवी अहिल्या का इसी काम को लेके है। मगर फिलहाल के लिए मालवा पे एक के बाद एक पहाड़ टूटता ही जा रहा है और अब बारी है उस तीसरे पहाड़ की। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मालवा राज्य को मल्हार सरकार ने अपने दिल जान से ज्यादा जो है अहमियत दी है। देवी अहिल्या को भी यही पाठ पढ़ाया उन्होंने। और अब दोस्तों मालवा पे सबसे पहले तो गौतमा रानी, जो उनके साथ हुआ, उनकी तबीयत खराब हुई, वो पहाड़ टूटा। और ये पहाड़ टूटा इस तरह से कि गौतमा रानी की जान ही चली गई। और उससे पहले केसर की जो जर्नी रही इस धारावाहिक में, उस जर्नी का इफेक्ट सीधा माले राव पे हुआ। गौतमा रानी की मौत के बाद, केसर की मौत के बाद, खास करके केसर की मौत के बाद माले राव बिखर गया। तो एक तरह से गौतमा रानी और माले राव का बिखरना, ये दोनों पहाड़ हैं जो मालवा पे टूट चुके हैं। माले राव जो आने वाला राजा है, कहते हैं ना भावी राजा है माले राव, भावी राजा को सुध ही नहीं है कि वो राजा है। भावी राजा को सिर्फ केसर का जो है गम है, और अब आजी का भी गम है, क्योंकि आजी की अंतिम इच्छा भावी राजा माले राव पूरी नहीं कर पाए, इसलिए वो पूरी तरह से गम में डूब गया है। उसका उबरना मुश्किल है, बल्कि उसकी तबीयत भी अब खराब होगी। तो ये दोनों मेन पिलर मालवा के गिर चुके हैं। अब बारी है तीसरे की, और ये तीसरा पिलर गिरने वाला पिलर नहीं है दोस्तों, ये तो मालवा को आगे लेके जाएगा, मगर पहाड़ तो टूटने वाला है, और वो है राघोबा। श्रीमंत राघोबा ने हमला करने की तैयारी कर ली है, जैसा कि हमने कमिंग अप में देखा। इस शोक के माहौल में, इस उदासी के माहौल में, जब इतना बड़ा जो है हादसा हुआ है मालवा के अंदर, वाड़े के अंदर दो दो मौतें हो गई हैं, दरबार में भी बहुत कुछ हुआ, मगर इस सब के बावजूद श्रीमंत शांत नहीं है। उनको हमला करना है, और हमले करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से जो गुन्नू जी है उनको साथ में मिलाया हुआ है, और बहुत सारे लोगों को वो साथ में मिला के हमला करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो तीसरा पहाड़ है, इसको तो देवी अहिल्या कैसे भी करके हैंडल कर ही लेगी, क्योंकि देवी अहिल्या जानती है कि हर सिचुएशन में कैसे अपने मालवा को बचाना है, और ये देवी अहिल्या करके दिखाएगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.